सिंगरौली जिले में कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। जिस समय पर कांग्रेस नेताओं पर मैदान से गायब होने के आरोप लग रहे हैं, तब एक युवा नेता की पहल सराहनीय बन गई है। युवा कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान कोरोना काल में पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अगर कोई उनकी टीम से मदद मांगता है तो ये उस तक तत्काल मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस संकट की घड़ी में प्रवीण की टीम जरूरतमंदों तक भोजन, राशन, मास्क आदि पहुंचाकर मदद कर रही है। जिले में जब से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है, तो जिले से जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे चितरंगी, माड़ा, सराई, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं, अपने मरीजों के साथ आ रहे हैं। जो मरीजों के परिजन हैं उनको भोजन की अव्यवस्थाएं शुरुआत में थी, क्योंकि सब होटल बंद थे, पूरे खाद्यान्न की दुकानें बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। ऐसी स्थिति में जब से लॉकडाउन है तब से मेरे द्वारा भोजन वितरित करने का कार्य जिले के तमाम अस्पतालों में, बस स्टैंड में किया जा रहा है, ताकि सिंगरौली जिले का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। जो मरीज हैं उनके लिए, जो मरीजों के परिजन हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं जब से लॉकडाउन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।